सो हाई गाइज एंड वेलकम बैक टू सुची ब्यूटी क्लिनिक। आज मैं फर्स्ट टाइम हिंदी में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। मतलब पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये कोई शो ऑफ नहीं है। मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शो ऑफ कर रही हूँ हिंदी में वीडियो बनाकर। एज ए यूट्यूबर हिंदी में भी वीडियो पोस्ट करना बहुत अच्छा रहता है यूट्यूबर्स के लिए। मैं ये सच में बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज मदर टंग उड़िया बहुत पसंद करती हूँ इसे। पर एज ए यूट्यूबर कभी कभी हिंदी में भी वीडियो पोस्ट करना अच्छा रहता है, तो मैंने सोचा कि हिंदी में भी वीडियो पोस्ट कर लेती हूँ। ये कोई शो ऑफ नहीं है फ्रेंड्स, आप ऐसा मत समझना। और बस अभी मैं जस्ट सो कर उठी हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये वीडियो भी बना लेती हूँ। आज मैं क्लीन अप करने वाली थी, 15 दिन के अंदर मैं एक बार अपने फेस को क्लीन अप करती हूँ घर पे रहकर। और आप चाहे तो पार्लर तो जाते ही होंगे क्लीन अप करने के लिए, जो जाते हैं वो जाए, लेकिन हाँ बड़े बड़े सैलून जो हैं, पार्लर जो हैं, अभी उससे भी सेफ्टी को आगे रखते हुए वो भी सैनिटाइज करके ये सब कुछ करते हैं। आप चाहो तो पार्लर में जाकर भी आप क्लीन अप करवा सकते हो। अभी जो मैं घर पे जो क्लीन अप कर रही हूँ ना, ये मैं खास करके ये क्लीन अप अपने घर पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने पार्लर पे भी क्लीन अप की है, पर मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये वाला जो क्लीन अप है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कई हद तक मुझे सेम रिजल्ट देती है ये जो क्लीन अप। और क्योंकि अभी जो हम लोग की टीनेजर्स हैं, हम लोग जो ये मतलब घर की चीज़ों से अगर हम क्लीन अप करवाते हैं तो और भी ज़्यादा बेटर है। तो बस आप लोगों के साथ मैं ये क्लीन अप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सोचा कि क्लीन अप तो मुझे करनी ही है, तो क्यों ना मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ऐसा नहीं कहूँगी कि अगर अच्छा नहीं लगे फिर भी लाइक कर दो, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और साथ में जो भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदी में ये कोई भी शो ऑफ नहीं है, मैं फिर से बता रही हूँ। ये बस आप लोगों के साथ मैं ये सोचती हूँ कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरी फैमिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ में जो बेल का बटन है उसे भी हिट कर देना, ताकि मैं जो भी नया नया वीडियो पोस्ट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्लीन अप करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो होता है वो है क्लेंजिंग, और क्लेंजिंग के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ कच्चा दूध। मैंने कच्चा दूध से ही अपने फेस को क्लीन किया है, लेकिन वो ऑफ कैमरा हो गया तो उसके वजह से आई एम सॉरी। तो क्लेंजिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप आता है स्क्रब की। स्क्रब के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच शुगर। तो उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हनी। शुगर और हनी को मिक्स करके मैं यहाँ पे करने वाली हूँ स्क्रब। तो हनी भी मैं यहाँ पे 1 चम्मच ही ले रही हूँ, और शुगर और हनी की जो भी मात्रा है वो मेरी फेस के अकॉर्डिंग है। अगर आपको ज़्यादा या फिर कम लगे, आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और अब हम इन दोनों को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो ये तैयार हो चुका है एक बढ़िया सा स्क्रब। तो स्क्रब हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो की लिंक मैंने दे दी है। अगर आपने नहीं देखा स्क्रब की जो इम्पोर्टेंस है और हमें क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में मैंने सारी डिटेल में बताई हुई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर आप जरूर देखिए उस वीडियो को। तो स्क्रब करने के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल से मैं यहाँ पे अपने फेस को मसाज कर लूँगी। वीडियो बहुत जल्दी में हो गई और बहुत इस वीडियो बनाते हुए बहुत प्रॉब्लम हुई, तो उसकी वजह से वीडियो की जो कैमरा की सेटिंग थी वो जल्दी में हो गई, तो उसकी वजह से सॉरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक विटामिन ई की कैप्सूल और ग्लिसरीन मैंने पहले से ले ली है, और इन दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे अपने फेस को मसाज कर लूँगी। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल से भी अपने फेस को मसाज कर सकते हो।
तो आप देख सकते हो मसाज करने के बाद मेरी स्किन जो है कितनी हाइड्रेटिंग हो चुकी है। और अब मैं लगाने वाली हूँ पैक, जिसे लगाना बहुत ज़रूरी है हमारी स्किन को टाइट करने के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच बेसन। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सिर्फ बेसन ली है। उसके बाद लूंगी 1/2 चम्मच, आप देख सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी मैंने ली है, 1/2 चम्मच इसमें डालूंगी मैं हल्दी और 1 चम्मच हनी, जो कि है शहद, इसे भी मैं 1 चम्मच ही डालूंगी। क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो इसीलिए मैं जो हनी की क्वांटिटी है मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखना चाहती हूँ, मतलब 1 चम्मच ही दे रही हूँ। अगर आपके स्किन ऑयली या फिर कॉम्बिनेशन है तो आप कम भी हनी डाल सकते हो। मेरी स्किन ड्राई है तो बस मैंने इसीलिए थोड़ा सा और इसमें हनी जो है मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध, कच्चा दूध। मैं यहाँ पे ले रही हूँ वैसे ही 1/2 चम्मच। तो उसके बाद मैं मिक्स करने वाली हूँ कच्चा दूध। उसके बाद हम लास्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है मिल्क पाउडर, जो है अमूल पाउडर जिसे भी कहते हैं, देख सकते हो ये वाला पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैं लूँगी 1 चम्मच। सो ये सारी चीज़ अब बनकर मैं ये सारी चीज़ों को अभी मैं मिक्स कर लूँगी। फेस पैक पूरी तरह से अपने पूरी फेस पे मैंने अप्लाई कर चुकी हूँ। और इसे अप्लाई करने के बाद आप पूरी तरह से सूखने के बाद, पूरी तरह से ना सही लेकिन 15 से 20 मिनट आप ज़रूर रुकिए, उसके बाद अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। सो फाइनली अभी मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ और अभी मैं अप्लाई करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम कितने भी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट यूज़ करें लेकिन फेस वॉश या फिर कोई भी पैक उतारने के बाद अपने स्किन को हाइड्रेट करने के लिए आप उसके बाद मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें, या फिर आप चाहे तो इसके बाद कोकोनट ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये श्लोका का मॉइस्चराइजर। तो मेरी जो क्लीन अप की प्रोसेस थी घर पे तो वो मेरी ख़त्म हो चुकी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कंजूसी मत करना यार, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है वीडियो बनाकर उसे एडिट करने आप तक पहुंचाना। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और पास में जो बेल का बटन है उसे हिट कर देना, क्योंकि मैं जो भी नया नया वीडियो पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय एंड कीप सपोर्टिंग।